हेलो। तो हम अपना नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। आपने जो मुझसे पूछा है बेंगल सेलर का, तो उसने बेसिकली जो आंसर जो आपको मुझे मैंने सेंड किए हैं, अब एक्चुअली थोड़े आप समझ सकते हो, मतलब ऑथर्स के आंसर हैं, वो वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बीइंग अ स्टूडेंट ये प्रेफर करूँगा कि जिस कंटेक्स्ट में आपसे पूछा गया है आप वहीं से आंसर लें और वहीं से लिखें, ठीक है। अदरवाइज ऐसा लग सकता है कि आपने कहीं से याद किया है। अगर आप वो वाला लिखते भी हो वो भी गलत नहीं है, अगर जो मैंने तो वो भी लिखते हो वो भी गलत नहीं है। बस ये अगर जो आप याद करके लिखते हो वहाँ से, तो आप तो ऐसा लगेगा कि आपने याद किया है, आपने खुद से पहला स्टोरी पढ़ी नहीं है, ठीक है, आपने कहीं से आंसर याद किया है। तो आप टेंशन फ्री होकर आप मेरा वाला भी याद कर सकते हो, वो वाला भी याद कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। जो आपको सही लगा वो लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट कल मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी एक्चुअली वो करप्ट हो गई, थोड़ा ये रिकॉर्ड करते टाइम में कुछ हो गया, तो उसमें जो करप्ट हो गई, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने वैसे लैंग्वेज की थी, अब मैं इसकी कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो फिर मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, लैंग्वेज। हाँ, 2 सेकंड अपना जरा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसे कि सजेस्ट कर रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर? मैंने पढ़ना क्या बेसिक चैप्टर में, हम चैप्टर का टारगेट बनाए एज अ होल। हैंग हो रहा है ये भी, ठीक है ना। हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और कुछ केमिकल बॉन्डिंग नाम की कोई बॉन्डिंग होती है हमें ये पढ़ना है। दो ब्रॉड कैटेगरी तो हम ऐसे बना सकते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरी तो हम ऐसे बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, दो ब्रॉड कैटेगरी तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसको सब पार्ट में डिवाइड किया था, एटॉमिक इसका क्या मतलब ये हमें समझना है। ये स्ट्रक्चर आपसे समझते होंगे, तो एक ये चीज़ ही मतलब है समझने लायक, वैसे समझते होंगे, ठीक है। एक बॉन्डिंग हमें समझे, बॉन्डिंग से क्या मतलब है यहाँ पे, केमिकल तो छोड़ सकते हो, ठीक है ना, वो बेसिकली बॉन्डिंग और फिर केमिकल बॉन्डिंग का पूरा वर्ड बनता है। तो कुछ टर्म्स हमें समझने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि एक ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता स्ट्रक्चर, या पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो सब कुछ आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हो, बस अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो मैटर होता है वो कैसे बनता है। खैर, हम मैटर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एटम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर के, अब वो एटम्स का मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट, तब होता है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं पूछे, यहाँ पे पूछे एटम्स का स्ट्रक्चर। पता नहीं, शायद मैंने आपसे कहीं बात करके, देवांशी से बात करके, मेरे को याद आ रहा है मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, पता नहीं कब पढ़ाया है, ठीक है, आपको पढ़ाया है उससे पढ़ाया है। तो एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है, एटम्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एटम्स के अंदर। हाँ, एटम सबसे छोटा नहीं होता, उससे छोटे भी और होते हैं। हम सोचते आ रहे हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, एटम्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से कुछ को हम जैसे मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली उसके अंदर। तो उससे बनता है, हमारा बनता है एटम का एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। बॉन्डिंग मतलब रफ लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ, ये मैं इस चैप्टर में हम पूरा केमिस्ट्री की लैंग्वेज का पढ़ेंगे, उसको क्या है साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे। रफली अगर मैं बोलना चाहूँ तो बॉन्डिंग मतलब ये सारे कॉन्स्टिट्यूंट, कॉन्स्टिट्यूंट जो होते हैं सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट कैसे रहते हैं, ये बॉन्डिंग कहाँ से इनके बीच में, बॉन्डिंग मतलब एक जोड़, कनेक्शन। तो बॉन्डिंग की बात करें, ये कनेक्शन कहाँ से आ रहे हैं इनके बीच में कनेक्ट रहते हैं, तो कोई केमिकल बॉन्डिंग है इसके वजह एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक बार कंफर्म कर लें रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी।
हो रही है इंट्रोडक्शन। मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू नो एज टू व्हाट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। वो कह रहा है बहुत सारी कोशिश की गई है ये जानने के लिए कि क्या है सबसे अल्टीमेट पार्टिकल मैटर, किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जिससे बना है, सबसे छोटा। बहुत कोशिश की जा चुकी है, बहुत कोशिश की जा चुकी है। द आइडिया ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट गिवन इन महर्षि कनाडा, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, BC in India। वो कह रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में जो बताया था, सबसे पहले उसके बारे में बताया था हमारे इंडिया के महर्षि कनाडा थे, जिन्होंने जिन्होंने ये 6th century बता दिया था। उनके अकॉर्डिंग मैटर इज कंसिस्टेड ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। उन्होंने कहा कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको आप डिस्ट्रक्ट कर नहीं सकते, अब उसको तो आप और तोड़ ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी खुद में ही बहुत छोटी फॉर्म है, ये खुद में इतनी छोटी फॉर्म है कि आप इसको डिस्ट्रक्ट करके और छोटी फॉर्म बना ही नहीं सकते। ठीक, इतना छोटा एक पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया परमाणु, जिसको इंग्लिश में हम नाम देते हैं एटम, जिसको हम इंग्लिश में क्या नाम देते हैं एटम। अब परमाणु कहाँ से आया, तो परमाणु दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, परम प्लस अणु, अणु का मतलब था पार्टिकल, अणु का अपने आप में क्या मीनिंग होता है पार्टिकल, परम मीन्स होता है अल्टीमेट, परम मीन्स मतलब क्या अल्टीमेट, उसके बाद तो कुछ और है ही नहीं, जिसके बाद कुछ है ही नहीं, जिसके बाद कुछ है ही नहीं परम, ठीक है, इससे ऊपर इससे नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब इसके आगे तो कोई है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो इस तरह इस अल्टीमेट पार्टिकल का मीनिंग उन्होंने क्या नाम रख दिया परमाणु हिंदी में, ठीक है, जिसको आज के टाइम हम क्या कहते हैं एटम्स कहते हैं, तो परमाणु क्या कहते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि ये उन्होंने बताया सब कुछ, ये सब कुछ महर्षि कनाडा के थॉट चल रहे हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरियां दी हैं। उनके अकॉर्डिंग परमाणु जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री फॉर्म में होता ही नहीं है, ठीक है, बल्कि कंबाइंड फॉर्म होता है, रेदर इट कंबाइंस, ठीक है, रेदर इट कंबाइंस अदर परमाणु टू फॉर्म अ बिगर पार्टिकल कॉल्ड अणु, अणु है ना। तो उन्होंने कहा परमाणु आपको अकेला दिखेगा ही नहीं, परमाणु कभी आपको अकेला फ्री फॉर्म में दिखेगा नहीं, ठीक है, ये आपका हमेशा मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में, क्यों, अगर कंबाइन हो जाता है, इसका नेचर ही ऐसे कंबाइन होने का, इसके अंदर एक बॉन्डिंग वाले फीचर इसके अंदर हो जाता है, ये बॉन्ड वाले दूसरों से कनेक्ट हो जाता है और मिलकर एक नया पार्टिकल बनाता है जिसको अणु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अणु, इसको इंग्लिश में उन्होंने नाम दे दिया मॉलिक्यूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। फिर उन्होंने ये जो तो ये तो दो प्रॉपर्टी बताई बेसिकली, फिर उन्होंने कहा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमाणुज, ईच वन ऑफ देम एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फिर उन्होंने कहा परमाणु अलग अलग तरीके के होते हैं, हाँ तो एटम्स अलग अलग तरीके के होते हैं आपको पता है, वो क्या लेकिन सो की जो प्रॉपर्टी होती है ना कॉमन होती है, मध्य कुछ कॉमन होती है, ईच वन ऑफ देम सॉरी वो कह हर परमाणु की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हर परमाणु की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो बात होगी महर्षि कनाडा की, महर्षि कनाडा जो भी आप बोलना चाहें उनको, ठीक है। दूसरे हमारे ग्रीक फिलोसफर सेकंड जो थे डेमोक्रेटस, एक्चुअली ये वो इंसान थे जिन्होंने परमाणु को अणु नाम दिया, एटम नाम दिया था, ये वो थे जिन्होंने परमाणु को एटम नाम दिया, जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि ग्रीक वर्ड एटमोस से आता है, एटमोस से इंडिविजिबल, इसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी ये ऐसा इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल था जिसको आप डिस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते, यानी जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इसी को ग्रीक में इंडिविजुअल, इसी को ग्रीक में एटमोस भी बोलते हैं, तो उन्होंने इसका नाम एटमोस ही रख दिया, यानी एटम्स रख दिया, ठीक है। बट द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वाज गिवन बाय जॉन ऑल्टन, इन लोगों ने एटम तो सर्च कर लिया, एटम तो सर्च कर लिया, लेकिन क्या स्ट्रक्चर्स मैटर का, मैटर का स्ट्रक्चर जैसे एटम मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल से मैटर बनते हैं, ये जो पूरी थ्योरी थी ना ये कोई नहीं दे पाया था। तो फर्स्ट टाइम जब साइंटिफिक थ्योरी जो दी थी वो दी थी जॉन डाल्टन, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन इन 1808, ठीक है, ही कंसिडर्ड एटम्स एज इंडिविजुअल पार्टिकल। उन्होंने कहा कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल ही है, ठीक है, जितने लोग कह रहे हैं हम भी मान लेते हैं, एंड देट आर द ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी फंडामेंटल, मतलब ये बेस है, ये क्या है बेस, जो सबसे पहले जिसके बगैर कुछ बन नहीं सकता उसको बोलते हैं फंडामेंटल, बेसिक, ठीक है, तो ये बेस है किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक का,
आपको कुछ ही बनाना है तो उसका जो फंडामेंटल्स का जो बेस है वो यही मैटर है, वो यही मैटर है, वो यही पार्टिकल है बेसिकली। किसी मैटर का बेस जो है वो यही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। वो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स कैसे लोगों को मालूम पड़े, तो वो इसलिए ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। मतलब क्योंकि किसी भी मैटर में एक तरीके के एटम्स थे ही नहीं, कोई भी मैटर उठा के देखोगे तो वो एक तरह के एटम से मिलकर बना ही नहीं है, तो बहुत तरीके के एटम से मिलकर ना होता तो लोगों ने देखा तो उनको पता लगा कि नहीं एटम्स एक तरीके के नहीं होते, एटम्स सब बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, उनकी डाल्टन की अपनी थ्योरी के कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं। पोस्टुलेट्स का मीनिंग अगर आप लिखना चाहते लिख लो। नोट कर लो जल्दी से उसको, फिर मैं आपको मीनिंग बताऊँ उसका। लिख लिया क्लेम, उन्होंने अपनी थ्योरी की, उन्होंने अपनी रिसर्च की, तो उन्होंने कुछ प्रूव किया, उन्होंने दावा किया कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने दावा किया ऐसा ऐसा है। हाउएवर इनकी जो ये थ्योरी थी ये बाद में आकर थोड़ी गलत हो गई, ये बाद में आकर थोड़ी लोगों ने गलत साबित कर दी। ठीक है, पर इन्होंने दावा किया कि जो मैंने खाया वो सच है। इन्होंने क्या क्या सच बोला जरा वो देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या सब सच साबित किया अपने अकॉर्डिंग। हर किसी ने अपनी मेहनत की ना, उसको तो अपनी मेहनत सच सही लगती है ना, अगर उनको गलत लगता तो वो बोलते नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग सही था। और आई थिंक ये गलत था भी नहीं, अगर आप इसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस टाइम तक जितनी डिस्कवरी लोग कर पाए थे, जिस टाइम पर ही सर्च करते थे, उस टाइम पर साइंस ने एडवांस हो पाई थी, उस टाइम पर इतना ही सर्च कर पाए थे, तो थोड़ा इनकम्प्लीट सर्च कर पाए, ये एक्चुअली ज़्यादा सर्च कर ही नहीं पाए जिस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में या मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, कभी कंप्लीट सर्च कर ही नहीं पाए। और ये तो आपने कंप्लीट रह गई, और ये तो आपने सुना ही होगा कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज दी डेंजरस, इसीलिए इनकी जो नॉलेज थी वो इनकम्प्लीट रह गई। इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो पोस्टुलेट्स थी, यानी इनकी जो क्लेम्स थे बेसिकली, जो इनकी रिसर्च थी वो इनकम्प्लीट रह गई, और इनकम्प्लीट को बाद में लोगों ने फिर गलत साबित कर दिया। ठीक है, बाद में कुछ लोगों ने नई नई साबित की अपनी सही सही, तो फिर इनकी गलत साबित होगी बाद में, पर फिर भी हमें याद करनी है। ठीक है, पूछा जाता है डॉल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, एटम के या मैटर के, ठीक है, या क्या उनकी रिसर्च थी, क्या उनकी थ्योरी थी, तो उसमें आपको ये लिखने हैं 4-5 पॉइंट जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, 6 पॉइंट से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो पहला उन्होंने बोला कि मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से मिलकर ना, जिसको आप डिवाइड और फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसका फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर इंडिविजुअल नहीं कर सकते, इसको उन्होंने बताया ना, तो आप इसको बना सकते हो ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये तो हमारे नेचर में है तो है, ये पेरेंट है तो है, अब आप इसको डिविजुअल फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं आप नया बना सकते। ठीक है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ऑल एस्पेक्ट बट वो मतलब सेम होते हैं इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरह से सेम होते हैं, बट दे डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब कह रहा एक एलिमेंट के अगर एटम्स देखोगे बहुत सारे तो वो सेम होंगे, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स देखोगे तो वो डिफरेंट होंगे, एंड एक ही घर के लोगों को देखोगे तो वो सेम सेम दिखाई देंगे, अलग अलग घर के लोगों को उठा के देखोगे तो वो तो अलग अलग ही दिखाई देंगे ना, वो वाली बात कर रहे हैं। फिर क्या, फिर उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा उनका कहना है। ठीक है, फिर वो उन्होंने ये भी कहा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में इन स्मॉल नंबर्स, यानी छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर वो क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर सर ये तो सच्ची है तो हमने भी पढ़ते आए हैं आज तक, हाँ तो ठीक है, इतनी बात उनकी सच्ची है। फिर क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट सिंपल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। वो कह रहे हैं मॉलिक्यूल आपको पता है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी होते हैं कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड मतलब के जहाँ पे अलग अलग तरीके के हो, तो वो कह रहा है एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स साथ मिलेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड हो गए, तो इस तरह से एक एक कंपाउंड भी बनाते हैं, इस तरह से क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं,
लेकिन जो मिक्सर होता है, मिक्सर एक इस प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं सर, एक एलिमेंट ए के एटम्स ज़्यादा और एलिमेंट बी के एटम्स कम, या दोनों के बराबर बराबर, या फिर कैसे, मतलब 30, 40, 50, 60 क्या रेशो होता है, क्या प्रपोर्शन होता है? तो सिंपल रेशो होता है, पता नहीं क्या रेशो उन्होंने डिफाइन नहीं किया, सिंपल सा बहुत ईजी तरीका होता है, ईजी तरीके से इन्हें कंबाइन कर दो तो आपके कंपाउंड बन जाते हैं सर। उन्होंने कहा एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर, बस यही उन्होंने गड़बड़ी कर दी, बस यहाँ पर ये थोड़े लोगों ने इनको गलत बोल दिया। उन्होंने बोले कि एटम्स सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। बस यही थोड़ा ये गलत बोल गए, क्योंकि गलत नहीं, इनकम्प्लीट नॉलेज रहती थी बेसिकली इनकी। तो नोट देखो नीचे लिखा हुआ है, द लेटेस्ट रिसर्च ऑन एटम्स हैज प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टास एटॉमिक थ्योरी आर इनकरेक्ट, एक्सेप्ट दैट एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा आज जो नई नई रिसोर्स वो निकल के आ रही है, उन्होंने कहा ये सब कुछ गलत है, सब कुछ काट दो, सब कुछ काट दो, सब कुछ काट दो, सब कुछ, सब कुछ जो जो पढ़ाया आपने सब गलत है, याद करना है, लेकिन आपको सब काट दो सिवाय इस पार्ट के कि जो एटम्स होते हैं ना ये, हाँ ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बस बस यही वाली बात सच है, बस इतनी सी बात सच है, बाकी सब झूठ, बाकी सब गलत है, ठीक है। अब इन्होंने ये गलत ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही गलत है या फिर इनकम्प्लीट है, इन्होंने ऐसा कुछ बस बोला कि बस यही वाली बात सच है, बाकी सब इनकरेक्ट है, ठीक है। बस एक से सच है कि जो एटम्स होते हैं पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, बस दे पार्टिसिपेट, दे पार्टिसिपेट, बस तो ये सच है बस, और कुछ सच नहीं इनकी थ्योरी में, ठीक है। पर आपको याद करना है फॉर दी पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओहो, वो कह रहे हैं वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा रीडिंग स्किल्स हमारी खराब होती है, हम समझ नहीं पाते हैं पहले इसको, यहाँ तक कैसे पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। मतलब पहले मैं ये डेट इज वाली लाइन हम छोड़ भी सकते हैं, वो कह रहा है वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस, यानी हमें बहुत सारे इंडिकेशंस मिले, बहुत सारे हमें इंडिकेशंस मिले सर, कैसे इंडिकेशंस, ये कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम्स के अंदर भी और पार्टिकल्स होते हैं, इसके हमें बहुत सारे इंडिकेशंस मिले, उनके हमें बहुत सारे इंडिकेशंस मिले, जिसमें से एक इंडिकेशन ये है, वो जिसमें से एक इंडिकेशन, ये इंडिकेशन कैसे सामने आया सर, इंडिकेशन ये कैसे मिले? तो तारे एक इशारा हमें ऐसे मिला, एक इशारा हमें कैसे मिला, एक इशारा ने ऐसे मिला बाय द स्टडीज ऑफ कुछ पढ़कर, एक ये चीजों ने एक चीज वो पढ़ रहे थे लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट लोगों ने पढ़ा, एंड द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड, और इलेक्ट्रिसिटी किस कंडीशन में कंडक्ट की जाती है, सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस कैसे करते हैं, तो ये कुछ था जिसको पढ़कर उन्होंने पहले कंडीशन मालूम पड़े सर, क्या है ना इंडिकेशन पता चला सर, वो इंडिकेशन कैसा था थोड़ा बताओगे एक्सप्लेन करके, यहाँ तो वो ये इंडिकेशन पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में चार्जेस होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स ये चार्ज्ड पार्टिकल्स से बने होते हैं, यानी इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो कुछ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, अगर आपको ध्यान हो आपने कुछ पढ़ाया तो इनको ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के समझ आया, ठीक है। इन 1833 फैराडे, एक साइंटिस्ट का नाम ही होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है, आई एम नॉट श्योर, है ना, इन 1833 फैराडे, फ्राइडे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ध्यान रखना, फैराडे सो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है ना, फ्लो, अब वो भी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है,
इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह में से फ्लो करती है ना, तो उसका रीज़न यही है कि वायर के बीच में भी चार्जेस होते हैं, तभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है उनके बीच में, अदरवाइज नहीं कर पाए, जैसे इन्होंने फैराडे ने बोला। तो ध्यान रखना किसने क्या कहा, पूछने के लिए खुद से पूछ सकते हैं। जीजे सोनी ये भी एक साइंटिस्ट, एक और आ गए, इनको देखते हैं। जीजे सोनी फर्स्ट सजेस्टेड द नेम इलेक्ट्रॉन फॉर दिस इलेक्ट्रिकल पार्टिकल। जीजे सोनी ने सबसे पहले बताया, जीजे सोनी को यहाँ इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि ये जो चार्ज जो होते हैं ना चार्ज, तो इनमें से एक पार्टिकल ना चार्ज वाला जो चार्ज कैरी करता है, वो एक पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल पार्टिकल है, जिसका नाम उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा जो पार्टिकल जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। हाउएवर इट वॉज जे जे थॉम्सन हु सो द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एंड दस डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उन्होंने कहा जीजे स्टोनी ने सजेस्ट तो कर लिया, लेकिन जो प्रूफ था, प्रूफ तो केवल जीजे थॉम्सन ही दे पाया। ऐसा क्यों, ऐसा ये हो सकता है, नहीं आई एम नॉट श्योर, पर ऐसा हो सकता है कि जीजे स्टोनी ने भी रिसर्च की हो, उनको पता चल गया हो कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन उनकी रिसर्च इनकम्प्लीट रह गई हो किसी वजह से, तो वो ये प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जीजे थॉम्सन आए जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस शो कर दिया सभी के सामने, यानी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ ऐसा भी कोई पार्टिकल होता है एटम्स के अंदर। और ये भी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये जो पार्टिकल होता है, ये जो पार्टिकल बेसिकली होता है ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको इसके पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। फिर उसके बाद ई गोल्डस्टाइन आए, एक जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट आए एक है ना, ई गोल्डस्टाइन अ जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने फिर एक और पार्टिकल डिस्कवर किया जो प्रोटॉन था, जो कि प्रोटॉन था सर, उसका नेगेटिव चार्ज था, इसका पॉजिटिव चार्ज था। फिर बाद में एक और है जेम्स चैडविक, जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन, जिसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन, इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव चार्ज था। तो इस तरह से तीन साइंटिस्ट आए, तीनों ने तीन जो एलिमेंट्स इसके अंदर के डिस्कवर किए, क्या कहते हैं इसके अंदर के एटम के अंदर के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल क्यों, क्योंकि यही बेस है इनका, यही फंडामेंटल बनाते हैं, यही बेस तैयार करते हैं एक पार्ट एटम का। दीज पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स बनते हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स से बनते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर स्टार्ट देख के आपको बता दें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग बता रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय रबिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग बता रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक प्रोड्यूस होती है जो तब प्रोड्यूस होती है, जो तब प्रोड्यूस होती है हम चीज़ों को रब करते हैं, ठीक है, और इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। याद रख लेना इसकी डेफिनेशन, मैं याद रख लेना। डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, अब हम आते हैं एलिमेंट के डेफिनेशन के ऊपर कि एलिमेंट बेसिकली बोलते किसको है। बार बार वर्ड आ रहा है ना एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट के अंदर ही बेसिकली बोल रहे हैं एटम है ना, तो यानी ये तो समझाएंगे कि एलिमेंट्स जो कि एटम से बड़ी चीज है, तो ये एलिमेंट बोल किसको रहे हैं। तो मैं एलिमेंट मतलब क्या, मेरे ख्याल से आपको समझने की जरूरत तो नहीं है, आपको सिक्स सेवन से समझ में आ गया होगा, सिक्स सेवन का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं भी हम। तो एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, बस। ये जो सब्सटेंस है ना, इस सब्सटेंस के अंदर केवल सिंगल टाइप के एटम्स होने चाहिए, अलग तरीके के नहीं, अलग अलग तरीके के होगी तो उसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट है ना। और इसको हम क्योंकि इसके अंदर एक ही तरीके के हो जाए, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही तरीके के एटम होते हैं, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है नहीं, इसके अंदर कुछ और है ही नहीं, ये तो केवल प्योर, केवल सिंगल टाइप के एटम से बना हुआ है, तो इसलिए एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। दैट कैन नाइदर रिफॉर्म, ना तो उसको आप बना सकते हो, ना ही आप इसको डिकम्पोज कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इन टू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल केमिकल मेथड है, आप कोई सिंपल से फिजिकल या केमिकल मेथड लगा के आप इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन क्या एक एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट, इसको ना तो आप स्प्लिट कर सकते हो, ना दो, या ना तो दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, ना ही किसी और सिंपल सब्सटेंस में आप इसको
सिंपल मेथड से लाइक हीटिंग वो भी रिकॉर्ड पासिंग इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आप इसको कर ही नहीं सकते हो, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो, तो इसे प्रूव हो सकता है क्योंकि कार्बन भी क्या एलिमेंट है। फिर नोट दे रहे हैं कुछ रेडियो एक्टिविटी पर, तो भाई रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग देख लेते हैं, अगर नीचे दिया है तो नीचे रेडिएशन का मीनिंग दिया हुआ है, चलो पहले ऊपर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सर ऊपर ही रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग दिया हुआ है, तो क्या है रेडियो एक्टिविटी, द प्रोसेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ओहो, डिके डिके मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, ठीक है। तो वो कहता है प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, सर कोई प्रोसेस यहाँ पर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मीनिंग तभी कोई रेडियो एक्टिव चीज जो डिके हो रही है, कम हो रही है, एंड हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन कैन ट्रांसफॉर्म वन एलिमेंट्री सब्सटेंस इनटू अनदर। ओके, यानी कोई रेडियो एक्टिव डिके है, कोई रेडियो एक्टिव चीज जो डिके हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, और कोई हाई एनर्जी है जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो रही है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ठीक, तो रेडियो एक्टिव जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बुक एंड द फेनोमेनन, एक ऐसी घटना ड्यू टू विच सर्टेन एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली एमिट हाईली पेनिट्रेटिंग रेस। तो वो कह रहा है रेडिएशन का मीनिंग क्या था, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन मतलब एक ऐसी घटना जब कुछ एलिमेंट सडनली हाई पेनिट्रेटिंग रेस को एमिट करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। पता नहीं अभी तक क्यों हमें ये बताया इसमें मीनिंग, ऊपर हमें जरूरत थी नहीं, अभी शायद इस वाले पैराग्राफ में जरूरत पड़े। ठीक है, तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ आ गया, उन्होंने प्रूव किया कि कार्बन एलिमेंट है, तो कार्बन को एलिमेंट प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या तो सहारा लिया, किस बेस को क्या बेस लिया उन्होंने, ये बेस लिया कि क्योंकि हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो एक ही एलिमेंट है, अगर उसको स्प्लिट कर पाए तो ये एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि तो हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते तो ये हमारे एलिमेंट ही थे, ठीक है। सर क्या स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं स्प्लिट नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी मेथड, बाय ऑर्डिनरी मेथड, इसके अलावा आप कोई मेथड लगाओगे, ठीक है, तो तब अलग कर दोगे, इसके सिंपल मेथड से आप इसको अलग ना कर सको, वो एलिमेंट है, ठीक है। अब डेफिनेशन का वैसे एटम का मीनिंग पढ़ चुके थे, अब जरा साइंटिफिक लैंग्वेज में जरा इनकी डेफिनेशन समझ लो क्या होती है एटम की, दे दो मिनट रुकना जरा, क्या क्या कंटेंट है चैप्टर के अंदर डिस्कवरी भी है। सब कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली पढ़ाया हुआ है, रिपीटेटिव सा लग रहा है, चलो पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ एटम, डेफिनेशन ऑफ एन एटम, कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं सिंपल रीड करवा के छोड़ दूँ, बट मेरे को लगता नहीं है कि लाइन के अंदर बहुत डेप्थ है, आप इस लाइन की डेप्थ समझ गए, तो इसका मतलब कि रीडिंग सीख गए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी के अगर रीडिंग चेक करनी है तो। वो कह रहा है एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो शो करता है, जो शो करता है, क्या शो करता है, वो सारी क्वालिटीज शो करता है जो कि उस एलिमेंट में है, मतलब सपोज करो एक एलिमेंट है, लेट्स से फर्नीचर, लेट्स से फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर भी मतलब नहीं फर्नीचर ले लो जरा टिपिकल मत जाना, यहाँ पे ये मत जाना कि सर फर्नीचर को हम ब्रेक कर सकते हैं, नहीं मैं वो चीज़ नहीं समझा रहा, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, आपको फर्नीचर को तुम ब्रेक कर सकते हैं तो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज एक फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर का अगर मैं पार्टिकल की बात करूँ, फर्नीचर के पार्टिकल की बात करूँ, तो आप एक कह सकते हो सर सर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पीस, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वुड, ठीक है, मैं समझ गया ना, मैं लिख नहीं रहा, मैं वुड है ना, वुड सर, वो सबसे छोटे एटम है, वो सबसे छोटे एटम है, तो देखो
क्या इसके सबको चेक करना है, क्या इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो क्वालिटी है, क्वालिटी के फीचर लिख दूँ मैं, इसके जो फीचर्स हैं ठीक है, और इसके जो फीचर हैं, क्या दोनों के सेम हैं या नहीं है। अगर दोनों के फीचर सेम है तभी आप इसको इसका सब वो एटम बोलोगे, तो नहीं बोलोगे। तो कोई एग्जाम्पल दो जरा, फीचर्स कौन से सेम है। ये पानी से गल सकती है, पानी से खराब हो सकता है, तो सर ये भी पानी से खराब हो सकता है क्या? अगर हाँ तो ठीक है। ये आग से बहुत जल्दी जल जाता है, क्या ये भी आग से बहुत जल्दी लग जाता है? हाँ। सर इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, क्या इसमें भी कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं? हाँ। यानी इसकी क्वालिटीज बिल्कुल वैसी हैं जैसे इसकी क्वालिटी है। अगर ऐसा है तभी आप इसको उसका क्या कहोगे, एटम कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। ठीक है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन। हाँ, यानी सब बाद में किसी ने थोड़ी सी एटम की डेफिनेशन करेक्ट कर दी। अब ये वो वाली क्या कहते हैं, डॉल्टन वाली थ्योरी नहीं है। डॉल्टन ने तो कहा था कि इंडिपेंडेंट होते नहीं है, तो अब ये अब तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो गया। अब बोला ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे तो नहीं हो सकता है? अगर तो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं भी हो सकता है, यानी अलग भी हो सकता है, अलग नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में ना, हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में ना भी, लेकिन जैसा भी हो ये तो सच है कि हर तरीके के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर एटम के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन किया जाए तो ऐसा नहीं कि उससे इंडिफरेंट हो जाए, कोई भी रिएक्ट ना करे, नहीं तो रिएक्ट तो जरूर करेगा, रिएक्ट तो जरूर करेगा। एग्जाम्पल, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक एंड ग्राइंड इट इनटू स्मॉलर पीसेस। वो कह रहे एक छोटा सा पीस लो जिंक का और उसको ट्राई करो ग्राइंड करने का छोटे छोटे पीसेस में, फिर क्या कहेगा? तो यानी कि सब जो छोटे छोटे पीसेस हैं बेसिकली वो एटम होने चाहिए हो कि आप उसी को तोड़ के निकाले हैं? नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि सर उसके को तोड़ कर ये पीस होने, तो आप उसको उसका एटम बोल दो ना, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या इन पीसेस की फीचर और इस पूरे एज अ होल जिंक के फीचर्स का सेम है या नहीं। अगर है तो ये अपन पीसेस को एटम बोलोगे, तो नहीं बोलोगे। तो देखो क्या लिखा है, ऑल दी पीसेस शो प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक। ओहो, उन्होंने बोल दिया वैसे ही कि हाँ ये जो पीस है ये सारे के सारे पे जिंक की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकी और जिंक की प्रॉपर्टी सेम है। ऑन ग्राइंडिंग ना फर्दर दे ब्रेकअप इनटू वेरी फाइन पार्टिकल। आप उन्होंने उनको और ग्राइंड किया तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। विच स्टिल शो प्रॉपर्टी ऑफ जिंक। सर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जिंक, बट देयर कम्स अ स्टेज व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। एक स्टेज जब ऐसी आ गई कि अब इन पार्टिकल को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया सकता, बस अब जितना टूट गया उतना टूट गया अब नहीं। लेकिन अभी जो पार्टिकल्स है अभी जिनकी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी हम एटम कहेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ होगी, उन्होंने दो लेयर बना दी। पहले उन्होंने जिंक लिया, जिंक को तोड़कर पहले उन्होंने एक जिंक लिया ठीक है, तो जिंक को तोड़कर छोटा पीस बनाया ठीक है, फिर उसको तोड़कर और छोटा पीस बनाया, फिर उसको तोड़कर और पीस बनाए ठीक है, और छोटे पीस बनाए। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि बस ये छोटा पीस बन गया, बस। कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये वाला बस। बस बस ये वाला, बस ये वाला। सर इसकी क्वालिटी देखो, इनके फीचर्स, इस वाले या इस वाले पीस के फीचर देखो, इस वाले पीस के फीचर मतलब किसी के फीचर, या इस वाले पीस के फीचर देखो इसके साथ जिंक के साथ, इसके फीचर्स देखो जिंक के साथ, या इस वाले सब छोटे पीस के फीचर्स देखो, सभी के फीचर्स बेशक जिंक के साथ सेम हो, तो क्या सारी एटम्स नहीं? फिर सारे एटम्स नहीं मानेंगे, क्योंकि एटम्स की एक कंडीशन तो ये है कि वो प्रॉपर्टी सबों की सेम शो, कि प्रॉपर्टी सबों की क्या हो, सेम। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी तो सबसे छोटा भी तो होना चाहिए। क्या ये वाला पार्ट सबसे छोटा है क्या? नहीं। क्या ये वाला पार्ट सबसे छोटा है? नहीं। क्या ये वाला? नहीं। क्या ये वाला? नहीं। क्या ये वाला? नहीं। क्या ये वाला? हाँ ये वाला है। तो केवल इसी को हम बोलेंगे एटम। मैं यहाँ पर सभी को एटम एटम बोलकर गया, मैंने प्राण नहीं लगी और फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं ठीक है। सर हम पार्टिकल, हम एटम के उसको बोलेंगे सबसे छोटा पार्ट है ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सेट से होनी चाहिए। तो वो सबसे छोटा होना चाहिए और फिर उसके फीचर सेम होने चाहिए सबसे बड़े वाले से, है ना? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर दी एटम्स ऑफ जिंक। इनको हम बोलेंगे कि जिंक के एटम्स हैं। इन अदर वर्ड्स, इन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। सर
सर इस सबसे छोटी पॉसिबल अमाउंट है जिसको, जो पॉसिबल इसलिए बोला गया क्योंकि बस अब इससे ज़्यादा तो आप इसको तोड़ ही नहीं सकते हो। पॉसिबल आप इसको इतना छोटा बना सकते थे, जितनी भी आपने पॉसिबल एफर्ट्स करे सारे कर लिए, इसके आगे तो उसको तोड़ना इम्पॉसिबल सी हो गया था। तो सर इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट बोला गया, ठीक है। हर वर्ड के पीछे रीजन होता है कुछ चीज़, लेकिन वो तब समझ में आता है, या तो आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज हो और दूसरा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज भी है, तो थोड़ी आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्पोर्टेंट वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जगह पे एक्सेस कर पाओ। डिस्कवरी ऑफ है ना, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। एक बार ज्यादा पहुंचे डिस्कवरी तक, डिस्कवरी से पहले एक बार क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक की, है ना। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर? ओहो सर महर्षि कनाडा ने परमाणु बताया, परमाणु की थ्योरीज दी, डेमोक्रेटिस ने सर परमाणु दिया बोल दिया, है ना। नहीं डेमो हार जी थे ना ग्रीक, तो उस पर भी बताए उन्होंने, अणु भी बताए, ठीक है, परमाणु अणु, ठीक है, इनके लिए बता देना। इसकी थ्योरी से एटॉमिक थ्योरी तो भी 6 पैराग्राफ इसके अंदर लिखने हैं, वो 6.7 नोट भी लिखना है कि 7 नोट भी लिखना है कि इनकी थ्योरी गलत थी ना, बोल नहीं लिखना, कमी नहीं लिखनी, अच्छी अच्छा लिखना है, ठीक है। आप और क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। 4A अच्छा इसमें इतने पढ़ दिया हुआ है और आगे नहीं दिया हुआ है, और आपने मुझे 4A ही सेंड किया है, इसके आगे आपने मुझे सेंड भी नहीं किया है। एक मुझे कंफर्म कर देना आप वॉइस मैसेज भेज के साथ, 4A ही सिलेबस में है, उसके आगे नहीं है। अब बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अब आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो मुझे पूरा चैप्टर ही भेज दो ताकि मैं पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट करा दूँ। अगर हम टुकड़ों में चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है अभी हाल कर रहे हैं ना, जब तक जितना हमने पढ़ा है। अब उसके आगे चलेगा पढ़ते हैं डिस्कवरी, और ये ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने देवांशी को पढ़ाया है 7th क्लास 8th क्लास में, आई थिंक बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा है, नहीं हमें डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पढ़ा है, ठीक है। विलियम क्रूक्स अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, हम सभी सारी डिस्कवरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी डिस्कवरी पढ़ेंगे अभी। विलियम क्रूक्स अ ब्रिटिश साइंटिस्ट नोटेड दैट गैसेस आर ऑर्डिनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाती, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो गैस होती है वो गैस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बेकार कंडक्टर होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो गैसेस होते हैं गैस इलेक्ट्रिसिटी के बेकार कंडक्टर होते हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन अ हाई वोल्टेज चार्ज फ्रॉम इंडक्शन कॉइल इज अप्लाइड टू ट्यूब्स फिल्ड विद गैसेस एट अ वेरी लो प्रेशर द गैसेस बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिगिन टू फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ रेज। पहले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विलियम क्रूक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये नोट किया, उन्होंने रिसर्च की होगी, उन्होंने पता चला या उन्होंने कैसे पढ़ा होगा उससे उनको पता चला कि गैसेज जो होती हैं वो बहुत बेकार कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के। आपको पता होगा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे ना तो गुड है ना बैड है, ये पुअर बोल रहे हैं, तो पुअर मतलब बैड ही होगी फिर से। मतलब वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने में ना बहुत ख़राब होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर पाते हैं अपने अंदर ये। फिर वो कह रहे हैं हाउएवर फिर भी अगर आप बहुत हाई वोल्टेज यानी बहुत हाई वोल्टेज से आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप ट्रांसफ़र करते हो गैसेस के बीच में थ्रू इंडक्शन कॉइल, है ना, और वो वेरी लो प्रेशर पर, तब जाकर आपके गैस गुड कंडक्टर बन जाते हैं। मुझे नहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकता था बच्चों को फेल करने के लिए, ठीक है, कि हाउ गैस हाउ पुअर कंडक्टर गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू गुड कंडक्टर गैसेस, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन अक्सर बन सकता है, ठीक है, आप मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बेसिक एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और सर जी अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, हाँ कर दो एंड बिगिन टू फ्लो फ्रॉम कैनोड टू एनोड एनोड इन द फॉर्म ऑफ रेज, तो वो सब कैथोड को रेज होती है और फिर एनोड रेज होती है, तो वहाँ पर ये रेज के थ्रू ये उस रास्ते में फ्लो करेगी। सर ये कौन सा रास्ता होता है पढ़ाएंगे आगे।
एक पढ़ेंगे क्या रास्ता होता है, कहाँ पे पास होती है, पढ़ेंगे ठीक है। और बेसिकली रास्ते नहीं होते कुछ, ये इनको रेजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड रेज और एनोड रेज है ना, तो ये उस रास्ते में फ्लो करती हैं, बेसिकली ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाती हैं दी फॉर्म ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज ठीक है। क्योंकि जो रेज होती हैं ये नेगेटिव प्लेट से वो ओरिजिनेट होती हैं, सर आपको बताया नहीं, आपसे रिसर्च नहीं करवाया, ये बता रहे हैं आपको, ये मतलब ना सेंस लगा हुआ तो सर यानी रिसर्च करके आप बता रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से जनरेट होती है, नहीं वो बता दें से बता नहीं, नेगेटिव प्लेट से जनरेट होते हैं, इसलिए जो कैथोड रेज जो होती हैं, इसलिए दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, इसलिए ये नेगेटिव प्लेट से जनरेट होती है, मतलब जो कैथोड रेज होती हैं वो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम कैथोड, वो कैथोड वाली जगह से एनोड वाली जगह पर ट्रेवल करती हैं और इसलिए इनको कैथोड रेज कहा जाता है। यानी कि सर आप देख कैथोड कैथोड रेज क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि कोई रेज होती हैं और फिर कैथोड से उठ कर जाती हैं, कैथोड से उठ के आ जाती है, कैथोड की रेज बोल दिया गया ठीक है। बाद में जीजे थॉम्सन आए, स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोडिस, बाद में जीजे थॉम्सन आए, इन्होंने कैथोडिस के ऊपर थोड़ी रिसर्च की, इन्होंने पढ़ा कि कैथोडिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उन्होंने पढ़ा ठीक है। द अपार्टस यूज बाई हिम इज कॉल्ड द डिस्चार्ज, उन्होंने कोई एक सिस्टम यूज किया, एक रिसर्च करने के लिए अपने इक्विपमेंट लिया, उस इक्विपमेंट का नाम क्या था बेसिकली, डिस्चार्ज ट्यूब या फिर आप कह सकते हो कैथोड रे ट्यूब, इससे बेसिकली चेक कर रहे थे कि कैथोड कैसे जा रही है ठीक है। ये ना देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो कुछ प्लस है कुछ माइनस, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो इंडक्शन कॉइल वगैरह लगी हुई है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को दस फ्लो कराने में हेल्प करा रही है, ये कुछ कैथोड यहाँ पे बन रही हैं, ये कुछ प्रेशर डाला जा रहा है, कुछ दिखा रहे हैं ठीक है। देखते क्या लिखा हुआ है, अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटल प्लेट्स नोन एज इलेक्ट्रोड्स, वो कह रही जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना ये एक नाजुक नहीं है, ये बहुत हार्ड ग्लास की बनी हुई ट्यूब है ठीक है, फिटेड विद टू मेटल प्लेट, जिसको दो मेटल प्लेट के साथ जोड़ा गया है, जिसको दो मेटल प्लेट्स के साथ मजबूत मेटल प्लेट्स से जोड़ा गया है ठीक है। वन ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वाइल द अदर इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यानी कि सर उन्होंने ये बता दिया कि इसको जो बोला जाएगा, इसको इनको नोड बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, नोड, एक नेगेटिव नोड हो जाएगा, एक पॉजिटिव नोड हो जाएगा ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोड हो जाएगा ठीक है। इट हैज साइड ट्यूब, इट हैज साइड ट्यूब, इनके साइड में एक ट्यूब भी है, थ्रू विच गैस कैन बी पंप, जहाँ से गैस पंप हो सकती है ठीक है, पंप आउट थी बाहर आ सकती है, बाहर आ सकती है बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप की टेक्नोलॉजी को यूज करके ना, टू क्रिएट अ वैक्यूम, ताकि एक वैक्यूम वहां पे रेडी हो जाए ठीक है, कोई काम का नहीं था। व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ 10,000 वोल्ट इज पास्ड थ्रू गैसेस एट अ वेरी लो प्रेशर, कैथोड इज प्रोड्यूस, तो वो कह रहा है कैथोड इज कब बनती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी में डिस्चार्ज करनी होगी ठीक है, और कितने टेम्प प्रेशर पर, तो हम बता दिया इतने सारी इलेक्ट्रिसिटी इतने प्रेशर पर गैस के थ्रू पास कर दो आप, तब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाएंगी। सर उनकी कैथोड रेज के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम उनको पहचान सकें, थोड़ा जान सकें। हाँ तो लिखा हुआ है, दे ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड इन दी स्ट्रेट लाइन, ये कैथोड वाले रास्ते से एनोड वाले रास्ते पर सीधे जाते हैं, ऐसे तो ऐसे ही जाएंगे, मुड़ मुड़ा नहीं जाएंगे, ऐसे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं कि थोड़ा ऊपर से लेके फिर चले गए ठीक है, सीधे जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। दे कॉज अ ग्रीनिश येलो फ्लोरेंस ऑन अ सोडा ग्लास स्क्रीन प्लेस्ड इन द ट्यूब, वो कह रहे हैं ये एक ग्रीनिश येलो कलर का इफेक्ट देते हैं ठीक है सोडा ग्लास के ऊपर। फिर क्या लिखा हुआ है, दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो कैथोड रे पास में अपने आस पास में इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरे हुए होते हैं बेसिकली, दे आर इन्फेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड, और ये सही है बेसिकली, ये जो कैथोड जो यहाँ से निकल रही है इसके बगल में नेगेटिव भी, इसके बगल में पॉजिटिव भी, तो भी लिखा हुआ है दे आर इन्फेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड, ये इन्फेक्ट होती है किस तरह, पॉजिटिव की तरफ
सॉरी यहाँ पे ऐसा बता रहा है, ये कहाँ किसकी तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, फ्रॉम द नेगेटिव, फ्रॉम द नेगेटिव, इधर नेगेटिव होता है ये रहा, ऊपर से नेगेटिव बना हुआ है तो ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, तो नेगेटिव से ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, दिस शोज दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इससे पता चलता है गिर रहे हैं, इससे पता चलता है गिर रहे हैं, गिर रहे हैं मतलब नेगेटिव, तो इससे पता चलता है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो कौन ये कैथोड रेस, कौन दे मतलब कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ कैथोड रेज इज मेड, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, व्हेन अ बीम ऑफ कैथोड रेज इज मेड टू फॉल, सर जब ये लाइन ग्रह जाती है, बीम जो ग्रह जाती है कैथोड रेज की, अपन हार्ड मेटल ट्रैगेट्स लाइक टंगस्टन एंड लाइक टंगस्टन एक्सरेज आर प्रोड्यूस, तो वो कह रहे हम ऐसी लाइनें गिराते हैं तब जाकर आपका एक्सरे प्रोड्यूस होता है, दे पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ये मैटर के थ्रू फैलते हैं, पेनिट्रेट मतलब और ज़्यादा ग्रो होना, फैलते हैं, दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच इज देयर पास, ये आयोनाइजेशन भी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, ठीक है, द रेस ऑफ चार्ज टू मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूइंग कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज रिमेन सेम ए रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन एंड ऑफ द मेटल फॉर्मिंग द कैथोड, वो कह रहे हैं सर जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का उस वेट के ऊपर, ठीक है, उस मास के ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली मैं बोल सकता हूँ, मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सब्सटेंस है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सर वो सेम, तो वो रेस होना सेम ही रहेगा, तो वो सेम रहेगा, इतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर मास, पर यूनिट ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ मास कितना रहेगा, 1.76 इंटू 10 to the power 11, यानी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इतने कॉल, पर यूनिट ऑफ मास, पर यूनिट मतलब क्या, पर केजी मास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1.76 इंटू 10 to the power 11 कॉलम, ठीक है, सर फर्क नहीं पड़ता कि हम किस गैस के थ्रू इसको पास करेंगे या हम किस मेटल के थ्रू, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये चार्ज तो सेम ही रहेगा, ये रेशो तो सेम ही रहेगा, 1 kg के ऊपर इतना ही आएगा, 2 kg होगा तो 2 से डबल मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे नहीं कि 4 के लिए किसी और से नंबर से मल्टीप्लाई, 4 के लिए 4 से होगा, रेशो सेम ही रहेगा, दे प्रोड्यूस द शेडो ऑफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या करते हैं, एक शेडो क्रिएट करते हैं किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट की जो कि उनके रास्ते में आती है, एंड मेक अ लाइट पेडल व्हील रोटेट, एंड मेक अ लाइट पेडल, और एक हल्का सा पेडल लेके वहां से मुड़ जाते हैं थोड़ा सा, बेसिकली कहना चाहते हैं, फिर लिखा हुआ है थॉमसन कंक्लूडेड दैट कैथोड इज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड के अंदर जो चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये जॉनसन स्टोनी, जॉनसन स्टोनी जो हमें ऊपर ना पढ़ा था, उन्होंने ये नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी को, एटम ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे एटम जिसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी उनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसा उन्होंने नाम दिया, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एटम, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये इंटीग्रल पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर बोथ, इलेक्ट्रॉन्स जो एटम होते हैं इनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, सर क्या दोनों चीज़ें होती हैं, एक डिफाइंड मास होता है, एक डिफाइंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस एंड डिस्चार्जिंग टू डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि इंडिपेंडेंट, जो कि डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किस गैस के उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है कौन सी नहीं, इनका मास चेंज सेम ही रहेगा, इनका चार्ज भी सेम ही रहेगा, तो ये ऊपर वाली बात मैंने दोबारा से रिपीट कर दी, ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी कहाँ तक की, कैथोड रेज की, तो कैथोड रेज में हमने जाना कि कैथोड रेज के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उनका रीजन एक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पढ़ते हैं फिर इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले लो सेम ही होते हैं, आइडेंटिकल मास, उनका मास भी सेम ही होता है, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ऑल एटम, हर एटम के अंदर आपको मिलेंगे, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय दिस, इलेक्ट्रॉन इज दिस है ना, इज दिस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में इतना 9.108 ऑफ इंटू 10 to the power -31 kg है ना, इन इलेक्ट्रॉन कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नेट्यूड, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कैरी करके चलता है सर, चार्ज की यूनिट क्या होती है, अब वो चार्ज कितना होता है, तो वो चार्ज इतना होता है 1.602 इंटू 10 to the power -19,
इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल सर, इलेक्ट्रॉन जो था बहुत ज़्यादा छोटा होता है सीरियसली, एंड इट्स रेडियस इज लेस देन 1 × 10⁻¹। इसका रेडियस तो बहुत कम होता है, इसका रेडियस तो बहुत कम होता है। आप वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को आप बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मे भी डिफाइंड एज सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही बेसिकली, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, एंड अ मास इक्वल टू दी दिस बाय हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन के एटम के इतने के बराबर नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है ये आपको पूछने जरूरत है नहीं, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, तब तो सॉल्व समझ सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है आपको मास, तो जब आप इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एज, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऊपर राइट हैंड साइड पावर में हम जीरो लिखते हैं, और नीचे लोअर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखते हैं -1। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को शो करने के लिए। द सब सुपर स्क्रिप्ट 0 रिप्रेजेंट इट्स मास, तो ऊपर वाला हमें क्या होता था मास पता है, और सब स्क्रिप्ट होता है उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज बताता है। सर ये 0 क्यों लिखा हुआ है, 0 से लिखा हुआ है क्योंकि इसका तो चार्ज है ना, जब इसको आप लिखोगे प्रॉपर फॉर्म में तो 0 से भी बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, 0.19 तो 0 आएंगे इसके अंदर, 18 तो 0 आएंगे इसके अंदर, तब जाकर ये फिगर आएगी, 19 तो 0 आएंगे इसके अंदर कम से कम। सर कह रहे हैं एटम्स आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली दिखा तो न्यूट्रल होते हैं, सो दे मस्ट कंटेन इन रेडिएशन पार्टिकल्स। ओह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब बताता हूँ बेसिकली सारे टॉपिक ना पूरा फ्लो में चलना चाहिए बेसिकली है, पर कोई ना अपन टुकड़ा में समझ लेते हैं। वो कह रहे जो एटम्स होते हैं, एटम्स यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन की बात खत्म हो गई, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की बात खत्म हो गई। अच्छा ऐसा करें, इलेक्ट्रॉन की बात खत्म ही हो गई तो हाँ फिर उसको इतना ही रखते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे ताकि कल में सारी के सारी डिस्कवरी खत्म करा दूँ। ठीक है, तो होमवर्क थोड़ा बढ़ा लो अपना, वाटर कैथोड थोड़ा ट्राई करना, इसका फिफ्थ का ए वाला 1 वाला पार्ट कर सकते हो। हाँ एक्स इज प्रोड्यूस जीरो आप लिख सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट एक 12 वाला। ये भी छोड़ो, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है,